अब हमारे पास आया F7। F7 का काम क्या है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हम लोग F7 के बारे में देखेंगे। जैसे कि अभी मैं वर्ड में आया हूँ, यहाँ पर कुछ अगर मैं टाइप करूँगा वो अगर मिस्टेक हो जाए या कुछ उसमें एरर आ जाए तो F7 से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को हाईलाइट करता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर इंग्लिश में चटनी लिख दिया, ठीक है, चटनी लिख के इंटर किया, तो इसमें देखिए रेड आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो कंप्यूटर है अंग्रेज़ों ने बनाया है, इसका सॉफ्टवेयर वहीं से ही बन गया था। तो इंग्लिश लैंग्वेज में चटनी का कोई भी मीनिंग इसको पता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको ये बोल रहा है ये गलत है भाई, ये गलत है या तो मिस्टेक है। दूसरी जगह अगर हम लोग लिखेंगे राम इज अ बॉय, बॉय के बाद हम लोग तुरंत फुल स्टॉप करेंगे तो कुछ मिस्टेक नहीं दिखाएगा, कुछ भी यहाँ नीचे वो लाइनिंग नहीं आएगा। अगर बॉय के बाद स्पेस डाल के हम फुल स्टॉप रखेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का वो अंडरलाइन आ गया। इसका मतलब ये है भैया इसमें भी तुमको सुधार करना पड़ेगा। अब यहाँ ये F7 यूज कैसे होगा, जैसे कि ये हम लोग सेलेक्ट करके अगर F7 दबाएंगे तो यहाँ पे यहाँ देखिए ये आ रहा है। अब ये कुछ सजेशन दे रहा है चटनी, यहाँ या तो तुम इसके अंदर से कुछ सेलेक्ट कर लो तो वो ठीक हो, जैसे कि चटनी की जगह अगर छतरी कर दूंगा मैं तो वो चला जाएगा रेड अंडरलाइन। लेकिन अगर मुझे चेंज नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि चटनी है मुझे चटनी रखना है तो उसके लिए हम मुझको यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ठीक है, इग्नोर वांस कर देंगे और चला गया। अब दूसरे में बॉय में, अब बॉय में दिखा रहा है कहाँ पे मिस्टेक है। अब देखिए बॉय के बाद स्पेस है, उसके बाद फुल स्टॉप है, तो ये मिस्टेक दिखा रहा है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है। तो ये सजेशन दे रहा है इसको करो और चेंज कर दो तो सही हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने कर दिया, अब ये चेंज हो गया ना। हाँ, तो यहीं पे F7 का काम लगता है, F7 का यूज यहीं पर होता है। अब हम लोग देखेंगे F8 का यूज। F8 के यूज हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक्सेल खोला एक फाइल, ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 11 से लेके 14 तक अगर हमको सेलेक्ट हो तो हम लोग ऐसे ड्रैग करते हैं या फिर यहाँ पर कर्सर रख के शिफ्ट दबा के इधर उधर करते हैं ना, और अगर कुछ भी नहीं दबाए तो यहाँ से इधर उधर ऐसे जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर आके F8 दबा देंगे तो ये जो 11 है ये से लॉक हो जाएगा, उसके बाद इधर हम लोग जाएंगे या उधर जाएंगे कहीं भी जाएंगे वो सिलेक्ट होगा। तो F8 का काम यही है, एक्सेल में काम लगता है, ठीक है। अब आया हमारा F9 का काम। F9 का काम मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं डाटा कॉपी करके यहाँ पर लाया, ठीक है, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इसका सम जब करते हैं एक्सेल में 93 आ गया। जैसे कि अभी मैं इधर 15 के जगह पे मैं 25 कर दूंगा तो ये नीचे का अपने आप खुद ही चेंज हो जाएगा, 103 आ गया ना। लेकिन अगर हम लोग एक फाइल में जाके सेटिंग में जाएंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, यहाँ तो अभी तो ऑटोमेटिक में है लेकिन इसको मैं मैनुअल अगर कर दूँ, उसके बाद यहाँ पर आके मैं कुछ चेंज करूँ, जैसे 15 की जगह पे मैं 25 कर दूँ तो यहाँ यहाँ ये चेंज नहीं हुआ, 103 नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके F9 दबाऊँगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे F10 का यूज। F10 का यूज नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि हमको यहाँ पर राइट क्लिक करना है कोई भी जगह पे या कोई भी फोल्डर पे, तो हम लोग यहाँ पर लाके एक बार राइट क्लिक कर दें, उसके बाद ये ऑप्शन पूरा आता है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक बार ला के शिफ्ट और F10 दबाएंगे ना तो वहाँ पर भी ये राइट क्लिक हो जाएगा, ऐसे देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना। अब यहाँ कहीं पे आके हम लोग अगर राइट क्लिक वो शिफ्ट और F10 दबाएंगे तो राइट क्लिक हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा आता है F11, हम लोग F11 का देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ आके F11 की प्रेस करूँगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा,
जैसे कि माफ़ करना दोस्तों, मेरा जो ये F11 का की है ये शायद काम नहीं कर रहा है। F12 काम कर रहा है, F11 काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका काम ये ब्राउज़र में जाके अगर F11 दबाएंगे हम लोग, F11 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन कर देगा ब्राउज़र को। और लास्ट की है जो हमारा वो है F12। तो F12 का काम भी यहीं ऑफिस में ही यूज होता है। जैसे कि ये मैंने ये पैराग्राफ लिख लिया है ना, ये पोएम एक लिखा। अब इसको हम लोग सेवेज करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ फाइल में जाते हैं, उसके बाद यहाँ सेवेज में ओके करते हैं, फिर ये जाके सेव होता है। अगर वो नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली सिंपली शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर आके F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी सेवेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम लोग सेव कर सकते हैं इसे। तो यही था हमारा फंक्शन की F11 से लेके F12 तक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया शायद, तो इसीलिए इसको दो पार्ट बनाया है, और ताकि आप लोग देख पाएँ। शुरू F1 से लेके F6 तक अलग पार्ट 1, और F7 से लेके F12 तक अलग पार्ट 2। तो यही था कि ये हमारा की, और शायद बोर हो गए होंगे आप लोग देख देख के, लेकिन बहुत मेहनत से बना है ये आप लोगों के लिए, और एक काम भी लग सकता है, तो देखिएगा।